बच्चों बी फॉर बोर्ड। नहीं 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 बिल्कुल गलत। नन्हे मुन्ने बच्चों बी फॉर बैट। बिल्कुल ही गलत। अरे बड़े बच्चों बी फॉर विनोद। और आज की कहानी का नाम है विनोद का ट्रेंड। इतना ट्रेंड तो भाई मैं कभी मैंने नहीं किया। मुझे पूरा 1 साल हो गया यूट्यूब पर और अभी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए। यार कर दो यार, कब करोगे यार, कर दो यार। 1 हफ्ता नहीं हुआ होगा विनोद को। और आज भाई कल वो ट्विटर इंडिया पर ट्रेंड कर रहा था, प्यूडीपाई की स्ट्रीम पर हर जगह #विनोद #विनोद। जिन्हें पता नहीं है ना कि विनोद क्या चीज़ है वो भी विनोद लिखने लग रहे हैं मेरी तरह। आपके भाई को भी नहीं पता था विनोद क्या चीज़ है, अब पता है, अब पता है भाई, अब पता है। तो भाई बिना देर करे शुरू करते हैं इस विनोद का ट्रेंड। कैसे आए विनोद का ट्रेंड, कौन है ये विनोद, चलिए जाते हैं, लेट्स गो। भाई इतना ट्रेंड ना कैरी मिनाटी ने नहीं सेट किया जितना ये विनोद ना 1 हफ्ते में कर गया। विनोद ठारू दारू बारू कुछ भी है लेकिन विनोद आता है। हाँ विनोद ठारू ये कमेंट में लिखता था सिर्फ विनोद। और भाई इस मतलब ही चीज ने इसे इतना पॉपुलर कर दिया, इतना पॉपुलर कर दिया कि क्या बोलूं भाई। प्यूडीपाई की स्ट्रीम हो चाहे ट्विटर देख लो भाई आप, चाहे फेसबुक देख लो, चाहे यूट्यूब देख लो, हर जगह विनोद 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 विनोद। भाई कुछ लोग कह रहे हैं मैं विनोद। अरे भाई कौन है ये विनोद, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। भाई कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मैं विनोद हूँ, आप मानोगे नहीं। मुझे तो लगता है ना क्या बोलूँ मुझे खुद को नहीं पता भाई ये विनोद कौन है। और भाई ये इतना पॉपुलर हो गया है, इतना पॉपुलर। अब भाई ये इंडियन मुद्दा नहीं रहा, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। इंटरनेशनल स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल है इसलिए हो जाती है प्रोनाउंसिएशन इधर उधर। इंटरनेशनल ओ भाई यार समझ ही लो यार, इंटरनेशनल। अब सही थी भाई, बहुत सही थी। अगर आप YouTube पर जाकर, Facebook पर जाकर, Twitter पर जाकर या Clash of Clans, PUBG में जाकर, यार किधर भी जाकर सर्च करोगे विनोद ठारू, 1000 से भी ज़्यादा भाई चैनल निकल आएंगे। अगर यार ये YouTube में कॉपीराइट वाला ना इशू ना होता ना तो करोड़ खुल चुके होते अब तक विनोद ठारू के नाम से। भाई सभी ये प्रूफ करने में निकले हैं कि मैं विनोद हूँ। हम प्रूफ करते थे x=y, 1=2, ऐसे ऐसी चीजें मैथमेटिक्स की प्रूफ करते थे, लेकिन आजकल लोग ये प्रूफ करने लगे हैं कि मैं विनोद हूँ। भाई एक दिन ऐसा आएगा अगर ऐसा ही चलता रहा, चेयर का नाम विनोद होगा, मेरा नाम विनोद होगा, आपका नाम विनोद होगा, नेता की पार्टी का नाम विनोद होगा, वोट का नाम विनोद होगा, हर जगह विनोद ही विनोद होगा। अब ये मुद्दा नेशनल नहीं रहा, अब ये इंटरनेशनल बन गया है, फिर ये यूनिवर्स में जाएगा और ऐसे करते करते ये मल्टीपल गैलेक्सीज में फैल जाएगा। इतना पॉपुलर तो भाई कोई नहीं हुआ भाई, जो ये बस एक कमेंट करके इतना पॉपुलर हो गया भाई। बस इसने कमेंट भी क्या किया विनोद। भाई मैं भी ऐसे करना शुरू कर देता हूँ, मेरा नाम है ना प्रथम, मैं हर जगह सिर्फ प्रथम लिखना शुरू कर देता हूँ और मैं भी यार विनोद से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा। तरीका अच्छा है, ट्राई जरूर करके देखना तुम भी, क्या पता तुम्हारा भी तुक्का मुक्का लग जाए उस विनोद की तरह और आज सारे तुम्हारे जय जयकार कर रहे होंगे, फिर तो तुम्हारा नाम भी छा जाएगा और हर जगह पॉपुलर और हर जगह तुम्हारे डुप्लीकेट बनेंगे, मैं हूँ वो जैसे अब बन रहे हैं। भाई ये विनोद के भी से ऐसे पड़ चुके हैं जैसे विनोद नहीं कोई 1 लाख रुपए की आइटम हो या कोई लड़की हो, एक ही बात है भाई, फर्क नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं यार, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा कभी। तो यार सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो और कमेंट में पक्का लिखोगे, वो तो कहने की जरूरत नहीं, तुम पक्का लिखोगे #विनोद #विनोद। और ये विनोद इतना पॉपुलर हो चुका है भाई, इसकी फुल फॉर्म्स भी बन चुकी हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं पर ऐसे ऐसे फुल फॉर्म है, बेस्ट इंडियन नेम ऑफ डिकेड, ऐसी ऐसी भाई
फुल फॉर्म बन चुकी हैं भाई, अलग अलग फुल फॉर्म से बना रहे हैं लोग विनोद की, और हर जगह बस विनोद ही विनोद, विनोद ही विनोद। जो विनोद पर वीडियो बनाता है वो यूट्यूब के इंडिया सेक्शन में ट्रेंड पर चला जाता है, और कई बार तो वर्ल्ड में। और मैंने बनाए, शायद मैं भी चला जाऊँ, अगर चला गया ना तो मज़ा ही आ जाना, मज़ा ही आ जाना, मज़ा ही आ जाना, मज़ा ही आना। मैं विनोद हूँ क्या? मैं भी विनोद हूँ यार, यार मैं हूँ असली विनोद। दोस्तों दोस्तों मैं प्रथम नहीं, मैं विनोद हूँ, और मैं हूँ वो जिसने कमेंट लिखे थे मैं हूँ विनोद ठारू। ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको ना पता होता पक्का मैं भी करता, मैं भी आपको उल्लू बनाने की कोशिश करता। मैं विनोद हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया दो, मुझे सारी पॉपुलैरिटी दो। काश काश मैं 2020 में यूट्यूब चैनल खोला होता, तो आज मैं नकली विनोद बन जाता। कोई बात नहीं यार, हर किसी की किस्मत में लिखा नहीं होता। मुझे पता है अभी तुम ना कमेंट सेक्शन देख रहे होगे खोल के, कितने बार विनोद आया भाई, कितने बार विनोद आया। अरे भाई आप हम कहते थे कि हम चावल को नहीं गिन सकते, हम बालों को गिन नहीं सकते, अब आप विनोद को भी नहीं गिन सकते। कितने विनोद है इस दुनिया में, आप गिन ही नहीं सकते भाई, गिन ही नहीं सकते भाई। मैं चैलेंज करता हूँ, गिन कर दिखाओ भाई कितने विनोद है भाई। चीज़ एक पॉपुलर होती है और उसके पीछे 1000 डुप्लीकेट बन जाती हैं, और भाई ये बंदा भी पॉपुलर कैसे हुआ एक कमेंट लिख के? भाई मैं वीडियो बनाकर पॉपुलर नहीं हो पाया और ये कमेंट लिख के पॉपुलर हो गया। वाह यूट्यूब वाह, तेरे रंग है निराले। विनोद को ऊपर बैठा दिया और हमको नीचे। भाई मुझे लगता है ना, जब तक भाई वो विनोद सामने नहीं आता ना, ये मुद्दा उठता रहेगा, उठता रहेगा, उठता रहेगा, उठता रहेगा। कम से कम 100 साल तो ये चलेगा। बीमारी की तरह फैल रहा है, हर जुबान पर एक ही नाम है, विनोद, विनोद। मेरे जैसे कई बच्चों को ये तक नहीं पता कि विनोद क्या चीज है, और बोल रहे विनोद 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 विनोद। ध्यान से, धीरे भाई धीरे 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 धीरे। क्या है ये विनोद, क्या भाई कैसे पॉपुलर हो गया? और मुझे भी कर दो भाई, लिख दो जाकर अब कमेंट में, बहुत बहुत लिख दो विनोद विनोद विनोद। और मुझे लगता है ना, इस सब्सक्राइब का नाम भी ना विनोद करना चाहिए, सब्सक्राइब की जगह लोग कहेंगे अरे विनोद कर दो जल्दी जाकर, विनोद के सर पर घंटी बजा दो वही से बस। सच में यार, और यूट्यूब का नाम भी वो विनोद यूब, विनोद ट्यूब होगा, ट्विटर का नाम विनोदी ट्यूबर होगा, और या फेसबुक का नाम होगा विनोद बुक। वाओ क्या कहानी जोड़ी है, हैशटैग विनोद बन गया ट्विटर, ट्विटर ट्विटर, और प्रेसिडेंट का नाम भी विनोद होगा, इंटरनेशनल चीजों का नाम विनोद होगा, इंडिया का नाम विनोद, हर चीज का नाम विनोद होगा। क्या है विनोद भाई, इतना पॉपुलर हो गया विनोद भाई। 100 साल तक अगर ये मुद्दा शांत नहीं हुआ ना, तो लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे भाई। विनोद साहेब जिंदाबाद, विनोद साहेब जिंदाबाद, और करेंगे, और वो इलेक्शन होगी ये प्रूव करने के लिए कि मैं विनोद हूँ, और उस इलेक्शन में मैं भी खड़ा होऊंगा क्योंकि मैं विनोद हूँ। किसी को बताना नहीं मैं विनोद नहीं हूँ, पर मनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं हूँ विनोद ठारू। मेरे पास एक नकली आईडी है, मैं उससे कमेंट करता था भाई विनोद विनोद विनोद, और भाई अब मैं विनोद हूँ भाई, मैंने प्रूव कर दिया अभी मैं विनोद हूँ। तो भाई भाई खत्म यार, मुद्दा खत्म करो यार, मैं विनोद हूँ नहीं कह सकता यार, आपको पता है यार, आपको सब पता है। भूल जाओ यार, मैं भी भाई भूल जाओ, मैंने कहा था मैं प्रथम हूँ, मैं विनोद हूँ यार, लेकिन आपको पता है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपने अभी तक विनोद नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर दो, और विनोद का घंटा भी बजा दो। समझ गए होगे, बहुत यार हो गया। और इस वीडियो को अगर हेडफोन लगा कर सुना ना तो मज़ा आ गया। लेकिन दोस्तों एक ज़रूरी बात यार, सीरियस बात है यार, यार मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जो लोग ऑफेंड हो जाते हैं जल्दी, उनको हक ही नहीं यार ये वीडियो देखने का, मुझे नहीं चाहिए यार ऐसे लोग। जाओ जाओ भाई, मुझे आपका प्यार चाहिए भाई, आपके प्यार के लिए यार मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे डिमांड आई कि रोस्टिंग शुरू करो भाई, इसलिए मैंने किया, आपके लिए मैंने बहुत वीडियो बनाए,
मैंने एक वीडियो बनाई थी द चाइना प्रोडक्ट दैट नेवर मैन, उसमें क्या था भाई, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं टिकटॉक को बैन किया जाए, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि पबजी को बैन किया जाए, मैंने सिर्फ ये कहा था कि एग्जाम्स को बैन कर दिया जाए, और वो भी दोस्तों एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट। मैं भी जानता हूँ यार एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन क्या करें यार, कईयों को तो विनोद 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 सूझता है भाई, फिर विनोद भाई, भाई साहब इतना ही चपले तो मैं कभी मुझे घर पर नहीं पड़े होंगे जितने मेरे मुंह से विनोद निकल गया। चलता हूँ भाइयों, जय विनोद, जय विनोद, जय, थैंक यू विनोद।